प्रदेश के संभल जिले की चंदौसी में आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय शर्मा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और फव्वारा चौक पर स्थित गांधी जी की प्रतिमा की साफ सफाई की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री के आवास से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर इतनी गंदगी है तो आप प्रदेश भर का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं, दिखावे में नहीं। अपने फव्वारा चौक पर आकर गांधी प्रतिमा के पास सफाई की है, क्या मामला है? देखिए, हमारे पार्टी प्रदेश नेतृत्व का आह्वान था कि जो परसों की घटना है, एक जहां बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कांग्रेस के ध्वजावाहक हैं तिवारी जी, उनसे झंडा छीना, उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की और हमारे झंडे को उन्होंने पैरों के नीचे कुचलने का काम किया, जिसको लेकर हम यहाँ एक दिवसीय धरना के लिए आए। यहाँ हमने देखा कि जिस चंदौसी में शिक्षा मंत्री हो वहां गांधी की प्रतिमा पर इतनी गंदगी का होना, ये कितनी शर्मनाक बात है कि जहां एक सरकार सफाई के नाम पर तमाम ढोल पीटती फिर रही है, जहां प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक झाड़ू लेकर हाथ में घूम रहे, फोटो खिंचा रहे हैं, तमाम मंत्री फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन गांधी जी की प्रतिमा पर जिस तरह की गंदगी देखने को मिली, ये इनके लिए शर्मनाक है। ये ढोंगबाजी बंद करें और यहाँ के जो ईओ या चेयरमैन है उन्हें कभी ना कभी आके गांधी प्रतिमा की ओर देखना चाहिए, गांधी पार्क पे देखना चाहिए, फुब्बारे की स्थिति देखनी चाहिए कि फुब्बारे की हालत क्या है। और आज हम लोगों ने यहाँ आकर सफाई की, क्योंकि हमें गंदगी दिखाई दी तो हमने सफाई की। हम सफाई करने का काम कर रहे हैं, ना कि दिखावे का, क्योंकि दिखावे के लिए तो ये संघ के बीजेपी के लोग काफी हैं, क्योंकि सफाई की जगह झाड़ू उठाकर फोटो खिंचाने का काम करते हैं। गांधी जी की प्रतिमा पर आकर आज जिस तरह की गंदगी हमें देखने को मिली है, ये वास्तविक एक मंत्री के क्षेत्र में इस तरह की, और उन्हीं के सिटी में जहां मंत्री की मकान की दूरी ज्यादा से ज्यादा 200 या 400 मीटर की यहां से होगी, वहां के हालात ये हैं, तो प्रदेश के हालात क्या होंगे ये आप समझ सकते हैं।